यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई है, महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, और कौन कौन से सन में हुए हैं और किन किन के बीच में हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद काल। भारत का जो ऋग्वेद काल है हमारा, ये रहा है भारत का ऋग्वेद काल 1500 से लेकर के 1000 BC तक ऋग्वेद काल रहा है। पंद्रह सौ से लेकर के 1000 BC तक ये हमारा भारत का ऋग्वेद काल रहा है। भारत का जो ऋग्वेद काल था, इसमें फालतू के कर्म कांड यहाँ पर नहीं चलते थे। सिर्फ इस ऋग्वेद काल में क्या होता था, जो जिस देवता को हम देख सकते हैं उसी देवता को यहाँ पर मानते थे। जैसे कि सूर्य है, सूर्य को हम देख सकते हैं तो इस देवता को मानते थे। जैसे इंद्र है, बरसात करता है तो बरसात की वजह से हम इंद्र को मानते थे। वनस्पति हमें खाने पीने के लिए देती है तो वनस्पति के देवता को, वनस्पति को ही हम देवता मानते थे। तो इस तरीके के देवता जिन पर प्रैक्टिकली जिन पर विश्वास किया सके, उन तरीके के देवताओं को ऋग्वेद काल में माना जाता था। फालतू के यहाँ पर कोई भी कर्म कांड नहीं थे, धर्म कर्म कांड नहीं थे, फालतू के यज्ञ यहाँ पर नहीं होते थे। तो सारी चीजें यहाँ पर ऋग्वेद काल में मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल थी। उसके बाद में क्या होता है, 326 BC में एक युद्ध होता है। 326 BC के अंदर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। अलेक्जेंडर और पोरस, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इसमें विजय किसकी होती है, पोरस की विजय होती है, क्योंकि ये अलेक्जेंडर यहाँ पर मरने वाले थे, लेकिन पोरस ने क्या किया, अलेक्जेंडर को यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि ये नियति पर बाहर निकलना चाहते थे। और उसके बाद में यहाँ से अलेक्जेंडर है चले जाते हैं, तो पोरस यहाँ पर विजय होते हैं 326 BC में। इसके बाद में पोरस ये अलेक्जेंडर का एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर वापस से इस पर आक्रमण करता है अलेक्जेंडर की इच्छा को पूरी करने के लिए, यानी वापस से यहाँ पर आक्रमण करता है। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है 305 BC में। और इसमें इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाता है। तो ये सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना की शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और ये जो सेल्यूकस निकेटर था, यहाँ पर अलेक्जेंडर की जो थल सेना थी उसका ये सेनापति था, तो थल सेना का यहाँ पर सेनापति होता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हम देखते हैं ऋग्वेद काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे धर्म कांड भारत में घुसने लग जाते हैं, बहुत सारे धर्म कांड यहाँ पर होने लगते हैं, विभिन्न तरीके के यज्ञ यहाँ पर होने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर फालतू के यहाँ पर होने लगती हैं। तो इस वजह से इन सभी कर्मकांडों को मिटाने के लिए जब भी धरती पर ऐसा कुछ होता है या ज्यादा कुछ चीजें होती हैं, तो समाज सुधारक धरती पर आते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के धर्म धरती पर आए थे, एक तरफ आया था हमारा जैन धर्म और एक तरफ आया था बौद्ध धर्म। जैन धर्म आया था और एक तरफ आया था बौद्ध धर्म। ये दोनों ही धर्म है समाज को सुधारने के लिए आए थे, क्योंकि फालतू के धर्मकांड यहाँ पर बढ़ गए थे भारत में। तो इनको हटाने के लिए, फालतू के धर्मकांडों को हटाने के लिए इन्होंने काम किया। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में है भगवान बुद्ध के द्वारा इन्हें इस धर्म को चलाया गया है। तो भगवान बुद्ध का पहले का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ के पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पढ़ा था, और यहाँ पर किसी भी तरीके का सिद्धार्थ को कोई दुख नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिद्धार्थ की शादी है यहाँ पर यशोधरा से हो जाती है। सिद्धार्थ का पहले अपने जीवन में यशोधरा से शादी होने के बाद में यहाँ पर ये यशोधरा है अपने पुत्र राहुल को जन्म दे देती है। तब तक सिद्धार्थ का मानना था कि जिंदगी में सुखी सुख है, क्योंकि दुख उसने कभी जिंदगी में अपना देखा नहीं था। यानी अब के पिता थे सिद्धार्थ के पिता, उन्होंने कभी भी जिंदगी में सिद्धार्थ को दुख नहीं देखने दिया। तो
एक बार सिद्धार्थ अपनी यात्रा पर जा रहे थे भ्रमण करने के लिए। तो यात्रा पर भ्रमण करते हुए अपने सेनापति के साथ में घूम रहे थे। तो सबसे पहले वो यात्रा में चार व्यक्ति दिखता है। पहला व्यक्ति दिखता है बूढ़ा, तो वो पूछता है अपने सेनापति से कि ये क्या है, इसके इंसान की जो चमड़ी है उस पर झुर्रियाँ क्यों पड़ी हुई है, इसके शरीर में शिथिलन क्यों है। तो यहाँ पर सेनापति जवाब देता है कि ये एक इंसान की अवस्था है, यानी कि जीवन की एक अवस्था है, बुढ़ापा आपको भी आएगा और मेरे को भी आएगा। तो फिर सिद्धार्थ है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक ये दूसरे नंबर पर देखते हैं रोगी को। तो फिर वापस सेनापति से पूछता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर सेनापति जवाब देता है कि ये रोग है, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है, तो ये भी एक जीवन का पड़ाव है। तीसरा व्यक्ति यहाँ पर मिलता है, तीसरी जो घटना देखता है सिद्धार्थ, वो देखता है एक मरे हुए व्यक्ति को। तो उसके परिवार वाले रो रहे थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ पूछता है कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्या चक्कर है। तो फिर यहाँ पर सेनापति बताता है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, यानी जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। तो यहाँ पर इन तीनों घटनाओं को देखने के बाद में सिद्धार्थ अपने जीवन एकदम बदलाव आ जाता है उनके जीवन में। सिद्धार्थ सोचता है कि इस जिंदगी में दुख ही दुख है, सुख नाम का कोई चीज नहीं है। अब तक वो मानता था कि जिंदगी में सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अब से वो मानने लगा इन तीनों घटनाओं को देखने के बाद में कि जिंदगी पूरी दुखों से भरी पड़ी है और मुझे इन दुखों से इंसान को बाहर निकालना है। तो चौथी अवस्था में वो देखता है एक सन्यासी को। तो वो वापस सेनापति से पूछता है कि ये कौन है और ये इतना प्रसन्न कैसे है, इसके पास ना कुछ अच्छे कपड़े हैं, ना कुछ गहना या फिर आभूषण पहन रखे हैं, फिर भी ये खुश क्यों है। तो फिर सेनापति बताता है कि ये मोह माया से परे हैं, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ये एक सन्यासी का जीवन है, इनका अलग ही उद्देश्य होता है, ये भगवान की भक्ति करते हैं। तो फिर सिद्धार्थ ने यही रास्ता अपनाया भगवान की भक्ति करने का और सन्यास ले लिया। पूरा मोह माया त्याग करके सिद्धार्थ ने सन्यास ले लिया। और सिद्धार्थ ने सन्यास इसलिए लिया था क्योंकि जो दुख उसने देखे थे दुनिया में वो उन दुखों का कारण ढूंढना चाह रहा था। तो अंत में सिद्धार्थ ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध बन जाते हैं, यानी कि बुद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। और लोगों को इसने कारण बताया, सबसे बड़ा कारण जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण बताया तृष्णा, यानी कि आपकी जो चाह होती है वही जिंदगी में सबसे बड़ा दुख का कारण है। जितनी ज्यादा तृष्णा उतना बड़ा दुख, जितनी कम तृष्णा उतना कम दुख, यानी कि अगर आप तृष्णा को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख है। तो यहाँ पर इन्होंने तृष्णा से दूर रहने के लिए अष्टांग मार्ग दिए हैं। अष्टांग मार्ग में हमारे जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब है संतुलन ज्ञान, यानी ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा, ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, यानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, ये सारी बातें समान समान चीज की। यहाँ पर सम्यक के बारे में ये आठ इन्होंने मार्ग बताए थे तृष्णा से दूर रहने के लिए। तो फिर इस बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था, बौद्ध धर्म को बाद में अशोक ने अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। 261 BC के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपना पुत्र और जो पुत्री थी उनको श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म एक तरीके से प्रैक्टिकल धर्म था, फालतू के कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखता था ये। दूसरी तरफ आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी ने दुख का जो कारण बताया है वो भी एक तरीके से तृष्णा बताया है, और उसका उपाय जो बताया वो बताया था अपरिग्रह। अपरिग्रह या फिर साधारण भाषा में महावीर स्वामी ने कहा था कि आपको धन का ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। एक तरीके से ये भी जैन धर्म में भी तृष्णा को ही मूल कारण दुख का बताया गया है। तो जैन धर्म किसने अपनाया था, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में एक विधि होती है, यानी अपना प्राण त्यागने की एक विधि होती है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, जिस विधि को हम कहते हैं जैन धर्म में संलेखना विधि। संलेखना
संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि होती है कि इंसान बिना खाए पिए अपने प्राणों को त्याग कर देता है, यानी कि ना तो कुछ खाएगा ना पिएगा, और इस तरीके से अपने प्राणों का त्याग कर देगा, उसे कहते हैं संलेखना विधि। तो ये जैन धर्म में बताई गई है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। उसके बाद में हम देखते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 BC में। 298 BC के बाद में यहाँ पर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में मृत्यु हुई थी, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 BC के अंदर, 323 BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को हराया था, और 321 में, यहाँ पर 321 BC में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमारे बिंदुसार बनते हैं राजा, और फिर बिंदुसार की मृत्यु यहाँ पर 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार राजा बनते हैं, और 293 में 73 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार के बाद में अशोक शासन करते हैं, और अशोक ने जो शासन काल अपनाया था, या शासक जब बने थे, या राज्याभिषेक अशोक ने करवाया था, वो 4 साल बाद करवाया था, यानी उसके 4 भाई थे, या इसके भाइयों को हराने के बाद में, अशोक के जो भी भाई थे उनको हराने के बाद में ही इसने शासन अपनाया था। और फिर शासन अपनाने के बाद में, यानी कि 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और उसके 8 साल बाद 261 में अशोक है, 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, और इस कलिंग के युद्ध में इनको बहुत ही अफसोस होता है युद्ध का, एक सन्यासी यहाँ पर मिलते हैं जिनके द्वारा इनके जीवन में परिवर्तन आता है, और ये फिर बाद में बौद्ध धर्म को यहाँ पर अपनाते हैं। तो इस तरीके के युद्ध हैं वो भारतीय इतिहास में हुए हैं। एक दो युद्ध और देख लेते हैं हम, जैसे कि एक युद्ध हुआ है राणा सांगा और बाबर के बीच में, राणा सांगा वर्सेस बाबर, ये युद्ध हुआ है 1527 में, इसे खानवा का युद्ध कहते हैं। इसमें जो राणा सांगा था, यहाँ पर बाबर था, इस बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया है। जिहाद का मतलब क्या होता है, जो भी गैर हिंदू जो राज्य हैं, गैर मुस्लिम जो राज्य हैं, उनको मुस्लिम राज्य बनाना, यानी सभी राज्यों को मुस्लिम राज्य बनाना, ये जिहाद के नारे में बताया गया है। तो ये 1527 में खानवा के युद्ध में ये बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। फिर 1527 के बाद में एक और युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध है वो होता है 1540 में, बिलग्राम का युद्ध। तो ये युद्ध है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, और यहाँ पर कौन जीतता है, शेरशाह सूरी जीतता है। उसके बाद में कलिंजर का युद्ध होता है 1545 में, कलिंजर का युद्ध, और इस युद्ध में किसके बीच में होता है, शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के बीच में होता है, कीरत सिंह वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में, और यहाँ पर भी शेरशाह सूरी जीतता है, लेकिन ये यहाँ पर जीतने के बाद में मर जाता है, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद में 1555 और 56 में दो युद्ध होते हैं, 55 में होता है सरहिंद का युद्ध होता है, और 56 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा। इन दोनों युद्धों में किसकी जीत होती है, हुमायूं की जीत होती है। तो इस तरीके से इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हैं, बाकी युद्ध और जो इस तरीके की घटनाएं हैं वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।